इसमिलीम अलैक्म फिजिक्स क्लास नाइन चैप्टर सेवन का न्यूमेरिकल है ये सेवन पॉइंट टू हाउ मच वुड बी वॉल्यूम ऑफ आइस पार्ट बाय फ्रीजिंग वन लीटर ऑफ वाटर ये है न्यूमेरिकल जिसको सॉल्व करना है सबसे पहले डाटा लिख लें वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है वी वन लीटर और स्टैंडर्ड है कि वन लीटर वाटर का मैस होता है वन किलोग्राम सो मैस ऑफ वाटर आ जाएगा वन किलोग्राम और प्योर वाटर की डेंसिटी की वैल्यू होती है थाउजेंड किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और हमें फाइंड करनी है इसके बाद प्योर वाटर की डेंसिटी थाउजेंड किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और आइस की डेंसिटी होती है नाइन ट्वेंटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और बच्चों हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आइस तो वॉल्यूम ऑफ आइस जिसको हमने V2 टू कहा है ये अभी हमने फाइंड करना है बच्चों जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है आपको मालूम है टोटल मैथ जो है वो सेम रहेगा तो वैन वाटर चेंजेज इन टू आइस इन दिस प्रोसेस मैथी सेम ये है फैक्ट जिसकी बेस पर हमने इसको सॉल्व करना है देर फॉर मैथ ऑफ आइस जाएगा मैथ ऑफ वाटर और मैथ का फार्मूला आता है रो मल्टीप्लाइड बाई वॉलीम तो रो टू वी सो आएगा रो वन वी वन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूँ ये फार्मूला कैसे बना था बच्चों तो आप जानते हो डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी को मैथ ओवर वॉल्यूम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें मैस की वैल्यू आ जाएगी रो बी इसलिए यहाँ पर मैस ऑफ पाइस लिखा गया है रो टू वी टू और मैस वाटर रो वन वी वन वैल्यू स्पूट की जाएंगी अब नाइन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई वी टू इक्व टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वी वन वॉल्यूम ऑफ वाटर था वन लीटर इस तीसरा बच्चों वैल्यू बन जाएगी नाइन ट्वेंटी वी टू इक्व टू थाउजेंड तो V2 की वैल्यू फाइंड करनी है V2 टू फिर एक आ जाएगा थाउजेंड डिवाइडेड बाई नाइन हंड्रेड ट्वेंटी और डिवीजन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट जीरो एट नाइन लीटर्स राउंडेड फिगर अगर लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगी वन पॉइंट जीरो नाइन लीटर तो इस तरह वॉलीम ऑफ आइस की वैल्यू आ गई है वन पॉइंट जीरो नाइन लीटर और इसके साथ ही मेडिकल कंप्लीट हो चुका है अल्लाह हाफिज़